बदलते भारत की शान। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, उनके माँ बाप को समझाना है कि पढ़ने का महत्व क्या है। सुमन की बहुत फिक्र रहने लगी है आजकल आपको। पर सुमन पर ही नजर इनायत क्यों? गांव में बदकिस्मती का साया है। कभी आपने सुना था कि पूरे का पूरा गांव बह गया? एनजीओ वालों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा है मुझे। सच? बाबा जी, उसने गाँव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो हमारे पास कौन आएगा? जिंदगी तो आगे बढ़ेगी ही सरपंच जी, लेकिन अतीत अतीत हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। मास्टर राम जी, आपको पता है गांव में किसकी चलती है? अरे सरपंच की नहीं, वो जो तो जाने। फिर पटवारी की? अरे नहीं, फिर तो बाबा गिरी की तो चलती ही है। तुम भटक गए हो यार, सोच के जवाब दो। अरे इतनी मुश्किल पहेली डाल रहे हो, इसको पूछना बहुत मुश्किल है। फिर भी नहीं मालूम। सुमन? सुमन? हाँ सुमन, नहीं तो और क्या। सिर्फ उसके शेड में ही टीन की चादरें लगी हैं। सुनने में ये भी आया है कि सुमन को एनजीओ वाले टीचर लगवा रहे हैं। अच्छा, कमाल है फिर तो। कमाल है ना, माँ सरस्वती की अपार कृपा है उस पे। हाँ भाई, मेहनती भी तो है। आपको मालूम है आपकी भाभी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, मैट्रिक फेल है। अब आप ये बताइए कि उसकी नौकरी के लिए किसको बोलूं मैं? सरपंच को और किसको? एक बात पूछूं, अपने तक ही सीमित रखना। नहीं बोली। सुमन के प्रति इतनी दया भाव क्यों? अरे भाई, जिसने मेहनत की है उसे फल तो मिलेगा। एनजीओ साहब जी, समाज सेवा काफी अच्छी कर रहे हैं आजकल आप। कोई दिक्कत? अरे नहीं नहीं नहीं, हमें क्या दिक्कत होगी। बस सुमन पर ही कुछ ज्यादा नजर इनायत है आपकी जी। मेरे कहने का मतलब है आपकी एनजीओ की। देखिए मिस्टर ठाकुर सिंदूर सिंह, देखिए ठाकुर साहब, हमारी मेहरबानी सिर्फ सुमन के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशहाली के लिए, और हमें अपना काम बखूबी आता है। तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करवा लूंगा जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर ले आऊं। क्या? अरे वो लिस्ट तो तैयार की होगी ना आपने? हाँ हाँ, वो बना दी है मैंने। ठीक है, मैं ले आता हूँ जी। ये लीजिए। शुक्रिया पंडित जी। कल सुबह आपका इंतजार करता हूँ मैं फिर। जी ठीक है जी। आगे दीजिए जी। एक दिन और गुजर गया बाबा जी, उनके आने के आसार अब कम लगते हैं। जलाराम, उसे आना ही होगा और वो आएगा जरूर। इसका मतलब मैं उम्मीद जारी रखूं?
जलाराम, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम। जय काल भैरव। जय काल भैरव। जय काल भैरव। तो जोड़ कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने लिखा है आ, आ। क्या बना? आम। ऐसे ही श, श। आ, आ। क्या बना? हाँ, आप भी कोशिश करो, एक एक शब्द सब बच्चे बनाएंगे, ठीक है? ओह, नमस्ते सरपंच जी। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। नमस्ते जी। आपको मालूम तो हो ही गया होगा, वैसे मैंने मोबाइल पे आपका नंबर मिलाने की बड़ी कोशिश की, मिला ही नहीं। हुक्म कीजिए जनाब। आज से सुमन बेटी आपके साथ बच्चों को पढ़ाने में मदद करवाएगी। जी बिल्कुल। वैसे भी एक मास्टर स्कूल को कैसे संभाल सकता है? बेशक बच्चे कम हैं, लेकिन फिर भी सुमन आपकी पूरी पूरी मदद करेगी। मैं ZDO साहब और डायरेक्टर स्कूल से बात कर लूंगा। वैसे भी तनख्वाह तो सरकार देगी नहीं। सही कहा सरपंच जी, तनख्वाह मिले तो मुझे भी 4 महीने हो गए हैं। सुना राज जी? जी। जिन्हें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली वो पढ़ाएंगे क्या? रहबरी तालीम का यही हाल है। स्कीम तो अच्छी थी, पर गलती कहाँ हुई, किस लेवल पर हुई, ये सोचने का विषय है। वैसे इन सब में रोजगार बहुत मिला है। वैसे भी अगर इन्हें वक्त पे तनख्वाह मिल जाती तो एहसास कुछ और ही होता। बात तो सही है। अच्छा बेटी, तुम आज से अपना काम शुरू कर दो। अच्छा, नमस्कार। आओ। जी। बच्चों, आपकी नई मैडम है सुमन मैम, नमस्ते कीजिए इनको। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सब ठीक? तो आप हिंदी पढ़ाते? जी। ओहो ठेकेदार साहब। अरे वाह, ओ गुगी, आओ ना। और मस्त राम जी, मस्ती में? बस दया जी आपकी। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अरे कौन सी बस्ती में आग लग गई? अरे इसी बस्ती में, और कहाँ। अच्छा ठेकेदार साहब, हमें तो मालूम नहीं, और ना ही कहीं से हमने धुआं उठते दिखा है। मस्त राम जी, जो आग दिल में लगती है ना, उसका धुआं नजर नहीं आता। क्यों कुकी? बिल्कुल ठीक कहा ठेकेदार साहब, दिल जिगर का क्या कहना। लगता है गांव में लगी आग का किसी को एहसास नहीं है। कुकी जरा बताओ तो इनको। सब जानते हैं साहब, बस अनजान बनते हैं। हेलो। हाँ हाँ, ठाकुर सिंदूर सिंह बोल रहा हूँ। अरे पटवारी जी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कुकी। हाँ जी। तुम मसराम से बात कर और ये ले लीजिए। ठीक है। सारा सामान पैक करवा के घर पहुँचा देना, ठीक है? मसराम जी, मैं पैसे बाद में दूंगा। अरे ठेकेदार साहब, दुकान आपकी है, हर चीज आपकी है। अरे अरे अपनी ही समझी है, हमने कभी परायापन दिखाया क्या? इस गांव में तो कानून का राज ही नहीं चलता। अब जंगल इस तरह कटेंगे तो हादसे तो होंगे ही। पर ना जाने क्यों डर सा लग रहा है, काम बहुत बड़ा है ना। मगर सुमन जो सोचती है, जो करना चाहती है, वही किसी जमाने में मैं भी तो सोचती थी ना। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बी फॉर बॉल माने, सी फॉर कैट माने बिल्ली, शाबाश। चलो आधी छुट्टी हो गई,
चलो चलो जाओ खेलने जाओ। वैसे सुमन जी, बच्चों को अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए ना तो ही इस गांव की तरक्की हो सकती है, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज ही तरक्की की बुनियाद बनता है। सही कहते हैं राजे आप, लेकिन हमारे गांव के लोगों में जागरूकता की कमी है। यहाँ के लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, आखिर करनी तो खेतीबाड़ी ही है, और खेतीबाड़ी नहीं करेंगे तो किसी के यहाँ काम कर लेंगे, या शहर में या फिर किसी गांव के किसी रसूखदार के घर। यही तो सोच गलत है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए तो नहीं होती, ये इंसान को इंसान बनाती है। मैं नहीं मानती कि जो इस गांव के साथ हुआ उसमें सिर्फ इंसान की गलती थी। अंदेशे आ रहे हैं कि ये हादसे और होंगे। अब देखिए ना इस गांव की बात, इस गांव में तो कानून का राज ही नहीं चलता, जंगल बेतहाशा काटे जा रहे हैं। अब जंगल इस तरह कटेंगे तो हादसे तो होंगे ही। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये इंसान की सोच बदलती है। बस इसी सोच को बदलने में आपको, मेरा मतलब है कि इस गांव की मदद करनी होगी सुमन जी। जी वैसे हम आज रात को ही निकल जाएंगे। वैसे सुमन जी, मैंने एक लिस्ट बना ली है, उसमें सारी जरूरत की चीजें लिख दी हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मुझे बाद में व्हाट्सएप या कॉल कर देना, हम वहां से अरेंज करके यहां भिजवा देंगे। राजी कुछ दिन रुक जाते तो हम गांव के लोगों को। अरे नहीं मास्टर जी, एक्चुअली मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं और मुझे कल ही बैंक ज्वाइन करना है। बैंक? बैंक ज्वाइन करना है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे लगता है मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैं बैंक में काम करता हूँ। अरे वाह। और हमारी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी नौकरी तो करते ही हैं और बीच में वक्त लगे या छुट्टी लेकर एनजीओ के काम से भी आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुमन जी, आप अपना नंबर देंगी मुझे प्लीज? नंबर क्या करेंगे, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं होता। चलिए जब होगा तब बात कर लेंगे। लीजिए। शुक्रिया। चलिए अब मैं चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। रास्ता बहुत लंबा है और रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए। यार क्या 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 बंदा है यार तू। वो जो बात उस दिन तूने बताई थी ना, हाँ, हंसता रहा पूरी रात, हंसता रहा मैं। अच्छा, मतलब पेट में दर्द हो गया मेरे। क्या बंदा है यार तू। और भाई गुग्गी, कोई नई खबर? मैं कोई खबर ची हूँ क्या? ओ भाई, इस गांव को जो भी पहली खबर मिलती है ना, वो तुमसे ही मिलती है। अच्छा, हाँ, कौन सी खबर चाहिए? सुना दे कोई चटकारे वाली। मस्त राम की बीबी भागवती अब देखना बीमारी का बहाना बनाकर रोज शहर जाया करेगी। क्यों? हमारे ठेकेदार के साथ उसका आंख मटक का शुरू समझो। नहीं नहीं सच्ची? यकीन करोगे तो ऐसे सवाल जुबान पे नहीं आएंगे। और कोई खबर गुगी? अब बाहर के लोग गांव में राज करेंगे। कैसे? हर बात में दखल जो होगा। एनजीओ वालों को जानते हो ना? हाँ। उन्होंने सुमन को टीन का शेड बनाकर दिया था, अब उसी शेड में शहरी महफिलें सजा करेंगी। वैसे ये सामान लेकर कहाँ जा रहा है? ये ठेकेदार के घर हवन है। हाँ। ठेकेदार अब भगवान का खौफ खाने लगा? खौफ? हाँ? मैं समझा नहीं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ठेकेदार के घर में कोई धार्मिक कार्य संपन्न हुआ हो, अब की बार ऐसा क्या हो गया? वो ठेकेदार ने काम जो करने लगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ नेक काम। अरे हाँ, वो कहावत सुनी है तूने? कौन सी? सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कैसी हो सुमन? ठीक तो हो ना? मुबारक हो। किस बात की? अरे तुम्हें तुम्हारा मनपसंद काम जो मिल गया। मैं समझी नहीं। अरे तुम्हारा और मेरा वादा था ना गांव के बच्चों को ऊंची तालीम देने का,
तो लो। वो काम तो हो गया और अब ये काम गति पकड़ेगा और हमारा गांव पढ़ा लिखा होगा और इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। वो तो है पर ना जाने क्यों डर सा लग रहा है। काम बहुत बड़ा है ना, तो हौसला भी तो बड़ा है। तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो सुमन, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम गांव को बदल कर रख दोगी अगर आप साथ रहे तो। अरे मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूं, हमेशा। फिर मैं अकेली क्यों? शायद इसलिए कि मैं शरीर नहीं हूं ना। तो बस एहसास हो, मेरी बची कुची जिंदगी का सहारा। कमला, आज से सुमन ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। चलो हमारे गांव के लोग पढ़ेंगे तो गांव तरक्की करेगा। बड़ा पिछड़ा हुआ गांव है हमारा। एक बात जरा खुलकर बताएंगे मुझे? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? क्या आप सच में चाहते हैं कि गांव की तरक्की हो? क्या क्या कहना चाहती हो तुम? नहीं, तरक्की का मतलब होगा आपका वर्चस्व खत्म हो जाना। अगर गांव तरक्की करेगा, जो ही तरक्की की हवा चलेगी तो फिर आपकी मनमानी खत्म हो जाएगी। कमला, कुछ सालों से हालात ही इस कदर बदल चुके हैं कि हालात चाहे कैसे भी हों, कुछ लोग तो नहीं चाहेंगे ना कि गांव में बदलाव आए, गांव की तरक्की हो। देखो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। नहीं, एक आप ही थोड़ी ना है। इस गांव में आज तक एक ढंग की सड़क तक नहीं बन पाई। हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए, अपने गांव को देखकर लगता है मानो हम आज भी गुलाम ही हैं। कमला, कम से कम तुम्हें तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आखिर किस चीज की कभी रहने दी है मैंने? बात कमी पेशी की बिल्कुल भी नहीं। बात यह है कि जहां पे हम लोग रहते हैं वहां के बारे में और लोगों की क्या राय है, मतलब वो क्या सोचते हैं इस गांव के बारे में, यहाँ रहने वाले हम जैसे लोगों के बारे में। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो तुमसे बगावत की बू आ रही है। सुमन से तो बगावत की बू नहीं आई आपको? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे मन में क्या जहर पल रहा है? नहीं, कोई जहर नहीं है, कोई जलन नहीं मुझे सुमन से। मगर सुमन जो सोचती है, जो करना चाहती है, वही किसी जमाने में मैं भी तो सोचती थी ना, मैं भी करना चाहती थी। मगर आपने मेरी जबान बंद करवा दी, ये कहकर कि इलाके के लोगों को अगर सब कुछ मिल गया तो वो हमारे बराबर आकर खड़े हो जाएंगे। याद है ना आपको अपने कहे हुए ये शब्द? कमला, तुम सियासत के दाव पेश नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। अगर इसे ही सियासत कहते हैं तो फिर लानत है ऐसी सियासत पर। कितने बदकिस्मत हैं वो लोग, इतने ताकतवर होते हुए भी उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, उनके गुलाम बने हुए हैं। पंडित जी, एक बात तो बताइए। हाँ, पूछो। क्या सिर्फ पूजा पाठ से ठेकेदार के सारे पाप धुल जाएंगे? हेलो राज जी। हेलो सुमन जी। हेलो।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। माँ, सियासत अगर सही दिशा पकड़ लेना फिर तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारे देश की ये है कि ऐसा हो नहीं पाता। सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में कितनों की रोटियां छीन लेते हैं सियासतदान, गांव में जाकर देखो ना तो पता चलता है। मैंने सुना है वो इलाका बहुत खूबसूरत है। हाँ माँ, इलाका तो वाकई खूबसूरत है, लेकिन वहाँ के लोगों तक कभी किसी ने पहुँचने की ज़रूरत भी नहीं समझी। अरे ऐसा तो वहाँ के रसूखदार लोग ही काफ़ी थे ना, लेकिन नहीं, अगर वो लोग बाहरी दुनिया के लिए खुल जाते तो उनका दबदबा नहीं खत्म हो जाता। कितने बदकिस्मत हैं वो लोग, इतने ताकतवर होते हुए भी उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, उनके गुलाम बने हुए हैं। लेकिन माँ, ऐसे हालात स्थायी नहीं होते, वक्त करवट ज़रूर बदलता है। चिंगारी हो तो आग भड़कने में देर नहीं लगती। शायद वो चिंगारी उस गांव में लग चुकी है जो उस गांव की काया पलटने में अब देर नहीं लगाएगी। वो बात तो है। अरे मैंने सुना है वहां के लोग बहुत खूबसूरत हैं, खासकर लड़कियां और औरतें। जरा बच के रहना। और ये भी सुना है वो जादू करती है, काला जादू। हाँ, तभी तो आपने मुझे तावीज देकर भेजा था ना। तुम्हारी शादी भी तो करानी है, अब पता नहीं किसको उठा के ले आए और मैं अपनी बहू मानूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। माँ, आपके बेटे में इतनी कशिश ही कहाँ कि कोई भी खींचा चला आए। वैसे तो मगरूर है, अरे तुम भाव भी नहीं देता, अदरवाइज लाइन लगी होती। और किस किस को संभालते, मेरे लिए अच्छा है। एक्सक्यूज मी, किसका फोन है? दोस्त का है, बैंक से, अभी आया। राम राम पंडित जी। राम राम। और सुनाओ कैसे हो? बस कृपा है, दौड़े दौड़े जा रहे हैं, कहीं जाने में देरी होगी क्या? हाँ, वो ठेकेदार के यहाँ पूजा है ना, बस वहीं जा रहा हूँ। वाकई ठेकेदार अब पूजा पाठ वाला हो गया? हाँ, गुग्गी बता तो रहा था पर मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा है, अब तो यकीन करना पड़ेगा। पंडित जी एक बात तो बताइए। हाँ पूछो। क्या सिर्फ पूजा पाठ से ठेकेदार के सारे पाप धुल जाएंगे? क्या मालूम भाई, भगवान जाने भाई। हाँ भगवान तो जाने। ठीक है, राम राम। राम राम। हेलो राज जी। हेलो सुमन जी। हेलो हेलो, एक तो नेटवर्क भी ना। हेलो अब तो मुहावरे बदल रहे हैं मास्टर जी, अब तो लाठी किसी और की, बैंस किसी और ले कोई और जा रहा है। पेड़ों की कटाई शुरू करना, बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी ठेकेदार साहब। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। कौन सा पढ़ लिख के अफसर बनना है? यही सोच तो जड़ है हमारी गरीबी की। आजकल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके मुंह से सुमन के कहे शब्द निकल रहे हैं? डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था, उजड़ चुके चमन को उसने फिर महका। सुनहरी बनकर आई थी कहाँ?
धीरे के साथ बदलते भारत की शान। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी, सुनिए उनकी जुबानी। हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियाँ सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। इस कड़ी में जाऊंगा हरिद्वार की गंगा वाटिका में, जहां अपने प्रियजनों की याद को अमर बनाने के साथ प्रकृति का भी होता है संरक्षण। हरिद्वार की खूबसूरत गंगा आरती में होऊंगा शरीक। पहुंचूंगा अपर गंगा कैनाल पर बसे रुड़की शहर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवे, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफे और कलम दबा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है पर, जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है। आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं, बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाएंगे किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।